हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर नहीं चलता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं उसे आपको चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है जिसके कारण फ़ोन का इंटरनेट नहीं चलता है। ठीक है, अब आपको मैं और भी सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जो है ना एक बार ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ भी जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का ना इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ये सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन का इंटरनेट नहीं चल रहा है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के ना नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे फोन का इंटरनेट नहीं चलता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है ना, रीसेट लिखेंगे तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ये देखिए रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लाएगा। आपकी जो तीन सेटिंग है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको इसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे एक पेज आएगा, इसमें आपको ओके करना है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन का जो इंटरनेट नहीं चल रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, जिस कंपनी की सिम है। इसके अगले पेज में आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसका अगला पेज APN का होगा, इसमें आपको नीचे रीसेट पे टैप करना है। नीचे आपका लिखा हुआ आ जाता है रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन का जो इंटरनेट नहीं चल रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन को रिबूट करना है। इसके लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला। इस पेज में आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज के अंदर आपको ना सबसे ऊपर ये रीसेट सर्च सेटिंग, सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है या फिर फैक्ट्री रीसेट टाइप करना है। इन दोनों में से एक टाइप करेंगे, आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में लाएगा। आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का जो इंटरनेट नहीं चल रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन का जो इंटरनेट नहीं चल रहा है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,